देखो चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डायवर्सिटी मतलब सिंपल सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डायवर्सिटी को क्या बोल देंगे, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सब कुछ एनसीईआरटी का हम कवर करने वाले हैं। तो देखो बायोडायवर्सिटी को शो करते हुए एनसीईआरटी में सबसे पहले ये दिए हुए हैं ना कि किसकी कितनी स्पीशी है ना, ऑर्किड्स की कितनी है 20,000 स्पीशी, एंट्स की कितनी 20,000 स्पीशी, फिश की कितनी है 28,000 स्पीशी और बीटल्स की कितनी है 3 लाख स्पीशी। ठीक है, अब इसके आगे हम चले तो हमें क्या मिला, बायोडायवर्सिटी टर्म मिली है ना। तो सबसे पहली बात यहां याद जो आपको रखनी है वो है कि बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है ना, जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने दी, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे ही चलेंगे कि बायोडायवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया गया। बायोडायवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया गया, कौन से, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, अब बारी बारी से बात करेंगे कि जेनेटिक वाले में क्या दिया हुआ है, स्पीशी वाले में क्या है और इकोलॉजिकल वाले में क्या है। सबसे पहले है जेनेटिक लेवल पे, है ना, जेनेटिक डायवर्सिटी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो एक प्लांट होता है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। अब ये प्लांट एक केमिकल को बनाता है, ये प्लांट एक केमिकल की सिक्रीशन करता है जिसका नाम है रेजर पाइन, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि ये रेजर पाइन की जो पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, मान लो शिमला में ये प्लांट लगा हुआ है, शिमला के अंदर, है ना, तो उसमें जो ये रेजर पाइन होगा वो अलग तरीके का होगा, और मान लो मनाली में लगा हुआ है, मनाली में ये अलग तरीके का होगा, और मान लो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है वहां पे ये अलग तरीके का होगा। मतलब कहना ये चाह रहा है कि हिमालय पहाड़ों में डिफरेंट रीजन में इस प्लांट का ये रेजर पाइन है ना, जो इसकी कंसंट्रेशन और पोटेंशी भी क्या है, पोटेंशी डिफरेंट। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है कि वो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग दिखाना चाह रहा है। और क्या याद रखना है आपको कि इंडिया में राइस की 50,000 से ज्यादा अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, और मैंगो की कितनी 1,000 वैरायटी। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरमिक्स कर दोगे, तो ऐसे याद रखना। देखो राइस क्या है, छोटा सा होता है तो उसकी स्ट्रेन्स भी क्या है, बहुत ज्यादा हैं। मैंगो थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो उसकी कम है, तो इसको थोड़ा ऐसे याद रखना। यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी में अपने को 3 बातें याद रखनी है, तो राउवोल्फिया वोमिटेरिया जिसका केमिकल क्या है, रेजर पाइन, है ना, दूसरी कौन सी, राइस, और तीसरी कौन सी, मैंगो, है ना। राइस की कितनी ज्यादा होंगी, 50,000 से भी ज्यादा, और मैंगो की 1,000। ठीक है, ये अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी पे। ठीक है, इसमें एक सिंपल सी बात दी हुई है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, यही आपको याद रखना है। वो क्या बोलना चाह रहा है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की ज्यादा स्पीशी है, किससे, ईस्टर्न घाट से। सिंपल सी बात है, एम्फीबिया की जो स्पीशीज है वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, ईस्टर्न घाट में कम है, इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें याद नहीं रखना। और इकोलॉजिकल डायवर्सिटी में सिर्फ ये दिया हुआ है कि इंडिया में डायवर्सिटी ज्यादा है, इंडिया में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, किससे, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जैसे कि नॉर्वे, है ना, नॉर्वे जैसी कंट्री से इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, ये सिंपल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब स्पीशी की बात कर रहे हैं कि स्पीशी टोटल कितनी है ना। अब वो हमसे पूछ रहा है कि पूरी दुनिया में टोटल स्पीशी कितनी है, तो IUCN 2004 इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी स्पीशी है, 1.5 मिलियन स्पीशी है, बट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है, 7 मिलियन स्पीशी है। हम फिर से इसको करेंगे कि स्पीशी टोटल कितनी है दुनिया में, तो IUCN के अकॉर्डिंग कितनी है, 1.5 मिलियन, बट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट मे, उनके अकॉर्डिंग कितनी है, 7 मिलियन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक बात हमें यहां पर याद रखनी है, ये एनसीईआरटी में
लिखी हुई है कि टेम्परेट रीजन में जो ये स्पीशी की डिस्कवरीज है ना, टेम्परेट रीजन में ये कुछ मान सकते हैं कि कंप्लीट तरीके से हो गई, बट ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारी ऐसी स्पीशी हैं जिनका अपने को पता ही नहीं चल रहा, मतलब वो उनकी डिस्कवरी अभी होनी है, वो अभी डिस्कवर नहीं हुई है ना, ये याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि टेम्परेट रीजन में जो खोज है, जो आविष्कार है, जो डिस्कवरी है, वो स्पीशीज की लगभग कंप्लीट है, और ट्रॉपिकल में बहुत सारी ऐसी स्पीशी हैं जिनका अपने को पता ही नहीं, उनकी डिस्कवरी अभी होनी है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पूरा मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया कि टोटल जितनी स्पीशी हैं उसमें से 70% क्या है, एनिमल्स हैं। देखो टोटल जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें से 70% क्या हैं, अपने एनिमल्स हैं, और 22% क्या हैं, लगभग प्लांट्स हैं, और बाकी जो बच गया वो बाकी जा रही स्पीशी में आ गई, ठीक है। अब एनिमल्स में भी, टोटल एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी इंसेक्ट जो हैं वो 70% हैं, और बाकी के जो एनिमल बचे वो 30% में आएंगे। हम इसको एक बार फिर से करेंगे। देखो अपने पास टोटल स्पीशी हैं, टोटल दुनिया में जितनी भी स्पीशी है उसके 70% क्या हैं, एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं, ठीक है। और एनिमल्स, टोटल एनिमल्स की बात करें तो टोटल एनिमल्स से भी इंसेक्ट जो हैं वो 70% है, और बाकी के जितने भी बच गए वो 30% है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में जो भी डाटा दिया हुआ है अपना यहाँ पे है, इंडिया के बारे में देखो, इंडिया के बारे में सबसे पहली बात कि इंडिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 2.4%, ठीक है। इंडिया पूरी दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है, और स्पीशी की कंट्रीब्यूशन कितनी है उसकी, 8.1%। मतलब देख लो इंडिया की यहां खास बात है ना, ये इंडिया की एक अच्छी बात है कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2.4%, और स्पीशी की परसेंटेज कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8.1%, ठीक है। अब इंडिया में एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो एनिमल्स की लगभग 90,000 स्पीशीज इंडिया के अंदर है, और प्लांट्स की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लगभग इससे आधी, मतलब 45,000 के आसपास स्पीशी प्लांट की है ना। और राइस और मैंगो की तो हम कर चुके हैं, राइस की कितनी 50,000 और मैंगो की 1,000 वेराइटी, ठीक है। अब देखो ये चक्रे अपने को याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे इसमें कुछ भी याद नहीं करना, मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो एनिमल किंगडम चैप्टर को याद करो एक बार एनिमल किंगडम चैप्टर को याद करो। वहाँ पे वर्टिब्रेट्स में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। एनसीईआरटी वाला फ्लो ही चिपका दो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, वर्टिब्रेट्स वाला अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमने बात की थी कि टोटल एनिमल्स का 70% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा किसका आ गया, एरिया इंसेक्ट का आ गया। अब देखो यहां मजे की बात, देखो जो क्रस्टेशियन होते हैं, क्रस्टेशियन वो क्या होते हैं, अर्थ्रोपोड्स होते हैं, और इंसेक्ट भी किसके अंदर आते हैं, अर्थ्रोपोड्स के अंदर। क्रस्टेशियंस भी क्या होते हैं, अर्थ्रोपोड होते हैं, और इंसेक्ट भी किसके अंदर आएंगे, अर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये है कि मोलस्का को दो अर्थ्रोपोड के बीच फिट कर दो, मोलस्का को है ना, हाँ सिंपल है ना, मोलस्का है, मोलस्का को दो अर्थ्रोपोड्स के बीच फिट कर दो, और यहां पे आ जाएंगे बाकी के जो भी एनिमल बचे, अदर एनिमल्स, ठीक है। अब लास्ट है ये प्लांट्स वाला, इसको कैसे याद करें, देखो सिंपल सी ट्रिक है। मैं फिर से फ़ैन लेने अली के पास गया, देखो मेरे पास फ़ैन नहीं है, मेरे पास पंखा खुद का है नहीं, मेरा दोस्त है एक अली, है ना, मैं जब भी पंखे की ज़रूरत पड़ती है मैं उससे फ़ैन ले आता हूँ ना, फिर से ले आता हूँ। तो मैं फिर से फ़ैन लेने अली के पास गया, देखो मैं फिर से मतलब एम से मोसिस, फिर से मतलब फंस, और फैन मतलब देखो एफ से फंजाई, और एन एनजीओ है ना, ये हो गया फैन, और अली मतलब ए से हो गया एलगी, और ली मतलब लाइकन, अली, ठीक है। ये सिंपल है। नेक्स्ट है रीसेंट एक्सटिंक्शन, है ना, कौन कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, डोडो कहां से, मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाओं कहां से, रशिया से, और ये अपने को याद रखना है कि बाली जावन कैस्पियन किसकी सब स्पीशी है, टाइगर की सब स्पीशी है। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा सा फंडा लगा लेना, देखो ये है डीएम, डीएम होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा पे डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज होता है शायद, है ना, ये हो गया डीएम अपना, डोडो मॉरिशियस, ठीक है। और ये क्वेश्चन एंड आंसर कर देना, क्वागा अफ्रीका क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप बोलोगे कि ए से तो ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा, तो सिंपल सा इसको ऐसे याद रखना, देखो T4 थाइलासीन, T4 टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा कि आपको पता हो अगर ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है, लगभग गर्मी रहती है ना, जैसे यूरोपियन कंट्री में ठंड रहती है, रशिया में भी
ठंड रहती है, अपने देश में ठंड भी है गर्मी भी है, पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है नॉर्मली गर्मी रहती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, तो टी से टेम्परेचर ये याद आ जाएगा। ठीक है, स्टीलर सी काउ से रशिया कैसे याद रहेगा, देखो आपने देखा होगा सोवियत यूनियन रूस है ना, आपने सुना होगा हिंदी में भी सोवियत यूनियन रूस ये सुना होगा, तो सोवियत से याद आ जाएगा स्टीलर सी काउ रशिया। ठीक है, और ये देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये टाइगर की है ना, बॉली जावन कैस्पियन, लग नहीं रहा हो कि शेर हैं चीते हैं बाघ हैं जो भी आप है ना, टाइगर अपने को याद आ ही जाएगा कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये एनसीईआरटी में देखा सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, देखो ये क्या है इसमें क्या बताया गया कि मान लो पहला एक्सटिंक्शन हुआ पूरी दुनिया में जो स्पीशी थी खत्म होगी है ना, फिर नई स्पीशी आई है ना दोबारा से, फिर दूसरा एक्सटिंक्शन आया फिर से वो खत्म होगी, फिर तीसरा आया फिर से सारी खत्म होगी, फिर है ना। अब तो बात करते हैं कि 5 एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जो चल रहा है वो छठा चल रहा है, सिक्स्थ चल रहा है। ठीक है, और सिक्स्थ क्या है बहुत तेजी से चल रहा है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की जो स्पीड है वो पिछले वालों से कितने 100 से 1000 गुना ज्यादा है, तेज आ रहा है। ठीक है, और क्या है, और साइंटिस्ट ने या बोलो इकोलॉजिस्ट ने क्या वार्निंग दी है कि अगले 100 सालों के अंदर अपनी क्या है जो स्पीशी जितनी टोटल है उसकी हाफ क्या है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी की चीजें याद रखनी है। अब देखो इस चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी में ये 3 साइंटिस्ट दिए हैं ना, और हम अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया था है ना, ये 3 साइंटिस्ट कौन से, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एक डेविड टिलमैन और एक पॉल एरलिक। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, स्पीशीज वर्सेस एरिया का रिलेशन दिया था ना, जो ग्राफ दिया हुआ है, और डेविड टिलमैन ने क्या बताया था, स्पीशी एंड बायोमास का रिलेशन बताया था, और पॉल एरलिक ने क्या बताया था, राइविट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या है असल में जो इन्होंने बोला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेविड टिलमैन ने क्या बोला। देखो डेविड टिलमैन ने सिंपली क्या बोला था कि जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी उसमें वेरिएशन भी कम आएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी है ना, मतलब क्या कहना चाहता है कि जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उसमें आप हाँ ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ गया और पूरा सिस्टम ही हिल गया है ना, सब बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा, वहां पर स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, मतलब वेरिएशन भी कम आएगी ईयर टू ईयर है ना, और क्या है वहां की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये डेविड टिलमैन ने बोला। नेक्स्ट है राइविट पॉपर हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था, पॉल एरलिक ने दिया था। देखो बहुत सिंपल है, देखो एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को हमने बोल दिया क्या इकोसिस्टम बोल दिया, और एरोप्लेन जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है उनको हमने बोल दिया स्पीशीज बोल दिया ना, कि स्पीशीज सारी स्पीशीज से मिलकर क्या बना है अपना इकोसिस्टम बना है, तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि सारी स्पीशी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का देखो एरोप्लेन में हर एक पार्ट जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एरोप्लेन बना है हर एक पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी पार्ट को उसमें से गायब कर देंगे तो कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, तो ऐसे ही स्पीशीज के बारे में बोलना चाह रहा है कि हर एक स्पीशी अपने इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 स्पीशी को गायब कर दो एक्सटिंक्ट कर दो है ना, तो कुछ गड़बड़ी तो आएगी। ठीक है, और एक चीज यहां क्या याद रखनी है कि राइविट्स ऑन द विंग्स मतलब पंखों के ऊपर नट बोल्ट जो लगे हुए हैं कुछ भी बोलो है ना, कि पंख अपने लिए ज्यादा जरूरी है एरोप्लेन में, तो उनको क्या बोला, उन्होंने की स्पीशी बोला है ना, कि टोटल स्पीशी जितनी है उनमें से कुछ ऐसी स्पीशी होती हैं जो की स्पीशी होती हैं जिनका रोल इकोसिस्टम में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्राफ किसने दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है ना, स्पीशीज वर्सेस एरिया का। अब इसमें दिखाया क्या है, देखो ये अपनी स्पीशी रिचनेस है और ये है एरिया। ठीक है, उन्होंने बोला क्या है, देखो एरिया बढ़ता जाएगा स्पीशी बढ़ती जाएंगी, एरिया बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा एरिया हो रहा है स्पीशीज भी उतनी ज्यादा हो रही है ना, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे आगे अब स्पीशी नहीं बढ़ सकती, ये स्पीशी की क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम लेवल एक सैचुरेशन आ जाएगी, अब आप कितना भी एरिया बढ़ा लो इससे ज्यादा स्पीशी नहीं बढ़ेंगी, ये मैक्सिमम संख्या उनकी आ चुकी है। ठीक है, और ये इक्वेशन होती है अपनी है ना, इस इक्वेशन में क्या है, देखो एस क्या है अपनी स्पीशीज है, ए क्या है अपना एरिया है, जेड क्या है अपनी स्लोप है, सी क्या है अपना कॉन्स्टेंट है। तो स्लोप की बात की गई है, देखो स्लोप क्या है, स्मॉल एरिया में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वैल्यू दी हुई है, स्मॉल एरिया में स्लोप कितनी होती है 0.1 से लेकर 0.2, और लार्ज एरिया में
में कितनी, 0.6 से 1.2, ठीक है। और ये 1.15 किसकी दी हुई है स्लोप, ये एनसीईआरटी में दी हुई है किसकी, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस है ना, कि मतलब बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो चार रीजन अपने पास यहां दिए हुए हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब आपने नोटिस की हो यहां पे एक बात, कि मैंने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के ऊपर एक रेड कलर का स्टार लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, ये पहले नीट में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं कि इनके बारे में दिया क्या हुआ है एनसीईआरटी में। देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाले पैरा में क्या दिया हुआ है अपने, मेनली क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट दिया हुआ है। तो इसके बारे में दिया क्या हुआ है, देखो पहले की पास्ट की बात कर रहे हैं, कि पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट पूरी अर्थ का कितना पार्ट कवर करते थे, कितना एरिया, 14% कवर करते थे, बट अब सिर्फ कितना करते हैं, 6% ही कवर करते हैं ना, कम हो गए, सिंपल सी बात है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट हैं तो ऑक्सीजन बहुत प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन का मतलब, इसीलिए उनको लंग्स बोल दिया जाता है, ठीक है। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा किस लिए जा रहा है, काटा था ना, देखो कितने कम कर दिए, धीरे धीरे हम उनको काटते जा रहे हैं, क्यों काटते जा रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए, ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन है अपना ओवर एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से दो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक स्टीलर सीकाउ, एक पैसेंजर पीजन, स्टीलर सीकाउ और पैसेंजर पीजन। नेक्स्ट है एलियन स्पीशी इन्वेजन, देखो सिंपल सी बात है, देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो रेड कलर के जो है ना, रेड कलर में मैंने लिखे हैं, इधर रेड कलर की मार्किंग की है, उधर ब्लू कलर की मिली है, ठीक है। ये है अपनी क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, किसकी वजह से, ब्लू वाली की वजह से। देखो किकलिड फिश किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, नाइल पर्च की वजह से। इंडिजीनस कैटफिश किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। नेटिव स्पीशी प्लांट्स की जो नेटिव स्पीशी है किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई, पार्थेनियम एंड आइशोरनिया की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन, देखो को एक्सटिंक्शन क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, को मतलब साथ में, एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट होना, मतलब क्या है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर किसी का कोई साथी गया तो वो भी चला जाएगा, किसी के साथी की डेथ हुई तो वो भी मर जाएगा ना, को मतलब साथ में। तो ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप वाले जो केस हैं वो इसमें आ जाएंगे, ऑब्लीगेट मतलब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, यही तो होता है ऑब्लीगेटरी, कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, यही है ऑब्लीगेटरी, सिंपल बात है, एक गया दूसरा भी जाएगा, प्लांट प्रोलिनेटर म्यूचुअलिज्म है ना, उसमें होता है ना कि वो प्लांट उसी इंसेक्ट से, उसी टिपिकल इंसेक्ट से पोलिनेशन कराता है, अगर वो इंसेक्ट गया तो वो प्लांट भी जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये याद रखना, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जैसे इक्वेडर है, उसमें क्या है, उसमें स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू टेम्परेट फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वैस्कुलर प्लांट ज्यादा होंगे, टेम्परेट में कम होंगे, है ना। और यहां पे फॉरेस्ट का नाम याद रख लेना, इक्वेडर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, इक्वेडर है, और टेम्परेट कौन सा दिया हुआ है, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, और कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा वैस्कुलर प्लांट की स्पीशी कितनी ज्यादा होती है, 10 गुना ज्यादा होती है, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। अब देखो, अब वो बात करते हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों है, है ना, रीजन क्या है, मतलब हम क्यों बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें, है ना, सिंपल सी बात है, खत्म होने देते हैं। तो वो हमें बता रहे हैं कि भाई बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको खत्म नहीं होने दे सकते। तो अब बोल रहा है कि हमें बता रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके तीन तरीके से उसने बताया गया, एक तो नैरो यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एक एथिकल। नैरो में क्या आ जाएगा, जैसे देखो प्लांट्स हैं, है ना, इतने सारे प्लांट्स हैं, हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, फाइबर प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें प्रोवाइड कराते हैं, है ना। देखो ये सब चीजें ना, फूड, फाइबर, मेडिसिन, ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और हम उनका यूज करते हैं, तो इसी को सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं ना, कि हम प्लांट्स की क्या है, सर्विस का यूज कर रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप देखो ब्रोड में क्या आ जाएगा, दो पी टू याद रखना इसमें, पी टू है ना, फोटोसिंथेसिस पोलिनेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने को क्या क्या मिलेगा आपको पता ही है ना, और पोलिनेशन से क्या होगा अब वो भी पता है, पोलिनेशन से क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो फ्रूट बनेगा, सिंपल सी बात है। और एथिकल में आ जाएगा स्पिरिचुअल वैल्यू है ना, स्पिरिचुअल मतलब मान लो अपने जो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए हमें क्या है, अच्छी ऑक्सीजन बचानी है ना, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज बचाने, इसमें सारा स्पिरिचुअल आ जाएगा। आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचो, वो क्या करेगी है ना, मास्क लगा के घूमेंगे बेचारे सारे है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसी में बात दी हुई है कि जो 25% ड्रग्स है ना वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से ही ऑब्टेन होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 25% ड्रग्स जो है वो प्लांट्स से ही ऑब्टेन होते हैं, एक ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि 25,000 स्पीशी ऑफ प्लांट्स यूज इन मेडिसिन बनाने में प्लांट्स की 25,000 स्पीशी तक यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब कंजर्वेशन पे बात करते हैं, एक है इन सिटू कंजर्वेशन, इसके बाद आएगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखो इन सिटू मतलब ऑन साइट, देखो इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझना, कोई भी एनिमल है या प्लांट है तो वो नेचुरली जहां पे प्रेजेंट है हम उसको वहीं पे कंजर्व कर दें तो क्या हो जाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन, और उसको हम उसके नेटिव प्लेस से उठा के कहीं और कंजर्व करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सिटू। तो इन सिटू में क्या आएगा, अपने पास हॉटस्पॉट्स आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 34, नेशनल पार्क आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 90, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे जिनका नंबर कितना है 14, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी जिनका नंबर कितना है 448, और सेक्रेड ग्रूव्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट है ना, जैसे जूलॉजिकल पार्क आपने देखा होगा, जू देखा होगा, चिड़ियाघर आपने देखा है, अब वहां पे चिड़ियाघर में शेर होता है, अब नेचुरली देखो जैसे मान लो दिल्ली के अंदर है चिड़ियाघर, अब शेर नेचुरली दिल्ली में तो नहीं पाया जाता ना, वो कहीं से उठा के लाया गया है, मतलब ऑफ साइट है ना, और वहीं पे उसको कंजर्व कर देते उसके नेचुरल एरिया में, तो वो हो जाता इन सिटू यानी ऑन साइट। तो ये है ऑफ साइट, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक्स हो गए, इसमें सीड बैंक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो एक होता है अर्थ समिट, एक होता है अर्थ समिट, एक होता है वर्ल्ड समिट है ना। देखो अर्थ समिट कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कब हुआ था 1992, और वर्ल्ड समिट कहां पे होता है, जोहान्सबर्ग में होता है, जोहान्सबर्ग कहां पे, साउथ अफ्रीका में, सबको पता होना चाहिए, और ये कब हुआ था 2002 है ना, इसके ठीक 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुआ था, ठीक है। दोनों का मकसद एक ही था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ, इसको याद रख लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो अर्थ समिट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इसमें ऑल नेशन मतलब सारे देशों ने, सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वर्ल्ड समिट में लिखा हुआ है इसमें कितने 190 देश, 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें वर्ल्ड समिट में क्या बोला गया कि 2010 तक, देखो 2002 में हुआ था तो इसमें क्या बोला गया, 2010 तक ये परिस्थितियां सुधारो मतलब बायोडायवर्सिटी को सुधारो, अच्छा करो, इसको कंजर्व करो, ठीक है। अब देखो हॉटस्पॉट्स के बारे में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने पूरा इसमें उतार दिया। देखो इनिशियली हॉटस्पॉट्स का नंबर कितना था 25 था, अभी कितना हो गया, नाउ कितना 34 हो गया। देखो इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं, 3 हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ठीक है। 3 हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। देखो अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि हॉटस्पॉट्स जो हैं टोटल 34 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम एरिया कवर करते हैं, बट स्पीसी रिचनेस क्या है उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक मस्त बात आप याद रखना कि एंडेमिज्म है ना, एंडेमिक स्पीशी बहुत ज़्यादा होती है हॉटस्पॉट्स में, एंडेमिक स्पीशी ज़्यादा होती है हॉटस्पॉट्स में, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं आपको कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बता दूँ। देखो इंडिया की इतनी अच्छी स्पीशीज रिचनेस है ना, इंडिया की इतनी अच्छी स्पीशीज रिचनेस है, इसीलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर शामिल किया गया, पहली बात है ना। दूसरी ज़रूरी बात आपको जो याद रखनी है, देखो हॉटस्पॉट अपने को पता है कितने इंपॉर्टेंट है। देखो हॉटस्पॉट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हम हॉटस्पॉट को मिटने से बचा लेते हैं, मतलब अगर हम हॉटस्पॉट्स को क्या है कंजर्व कर लेते हैं, तो हॉटस्पॉट में इतनी ज़्यादा पावर है कि जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन मतलब जो स्पीशीज ख़त्म होती जा रही है, हॉटस्पॉट उनको 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, लास्ट बात इस चैप्टर की क्या है, देखो हमने सेक्रेड ग्रूव्स किए थे ना, सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ पे कंजर्वेशन में, अब सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ पे है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका
एंड महाराष्ट्र, और कहाँ पे सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म, पूरी एनसीईआरटी अपनी कवर्ड है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।